दोस्तों बात करें तो अगर आप मार्केट में नया एंड्रॉइड फोन लेने निकले हो तो यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं, बजट से लेके प्रीमियम के अंदर बहुत सारे। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे फोन हैं जो आपके लिए काफी अच्छी वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए इनके बारे में यहाँ पे जानते हैं और पता लगाते हैं कौन से ऐसे फोन है जो आप यहाँ पे खरीद सकते हैं आज के समय में 2024 में। सबसे पहले बात करना चाहूंगा मोटोरोला के G24 के अंदर। ये लगभग 8,000 रुपए का फोन है। इसकी खास बात है कि यहाँ पे आपको 6000 mAh की बड़ी बैटरी है, 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले है, यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है और G85 जैसा प्रोसेसर और 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ है। ओवरऑल बात की जाए अंडर 10,000 रुपीज में ये काफी सॉलिड चॉइस हो सकता है। अगर आपको मोटोरोला की जगह कोई दूसरी कंपनी का लेना है तो Redmi 13C भी एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हो सकता है, जो कि 8,000 रुपए से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन वहाँ पे आपको 6GB RAM, 128GB स्टोरेज, Helio G85 ये सब देखने को मिलेगा। लेकिन भाई बात करें तो 10,000 से नीचे आपके ज्यादातर 4G फोन है, और 10,000 के ऊपर अगर आपको फोन लेना है खासतौर पर 10,000 से 15,000 के रेंज में, तो यहाँ पे लावा का स्टॉर्म 5G काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सबसे पहले तो उसके अंदर आपको MediaTek Dimensity 6080 प्रोसेसर है, 8GB RAM, 128GB स्टोरेज के साथ है, 50MP का मेन कैमरा, 8MP अल्ट्रा वाइड है और 33W की चार्जिंग के साथ है। और हाँ, 12,500 रुपीज में एक अच्छा 5G फोन यहाँ पे अवेलेबल हो सकता है मार्केट के अंदर। इसके साथ ही दूसरे फोन के बारे में बात कर तो 15,000 की रेंज में आपको Realme Narzo 60 देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आपको 90Hz का AMOLED डिस्प्ले, यह 64MP का मेन कैमरा और 33W की चार्जिंग के साथ लगभग 15,000 रुपए के नीचे एक डिसेंट फोन है। ऐसे ही पोको का X6 न्यू है जो 15,000 से 16,000 की रेंज में आता है, लेटेस्ट फोन है। यहाँ पे अच्छी बात है कि आपको एक अच्छा AMOLED स्क्रीन है, यहाँ पे आपको 108MP का मेन कैमरा देखने को मिलता है, प्लस 5000mAh की बैटरी और Dimensity 6080 प्रोसेसर है। ये भी काफी सही फोन हो जाता है लगभग 15,000 से 16,000 रुपए की रेंज में। लेकिन वहीं पे अगर आप लोगों की प्रायोरिटी एक ऐसा फोन यहाँ पर लेने की जिसके आपको ज्यादा परफॉर्मेंस मिले, तो iQOO का Z9 यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको Dimensity 7200 प्रोसेसर है, 120Hz का AMOLED डिस्प्ले है, Sony IMX882 का इमेज सेंसर देखने को मिलता है, 8GB RAM, 128GB स्टोरेज। iQOO Z9 एक काफी सही चॉइस है। ऐसे ही Realme का Narzo 70 Pro भी काफी अच्छा है, जिसके अंदर कैमरा आपको Sony IMX890 है OIS के साथ, 120Hz का AMOLED स्क्रीन है और ओवरऑल बात किया तो Dimensity 7050 के साथ आता है। ये भी 20,000 रुपए के नीचे एक अच्छी चॉइस यहाँ पे बना सकता है। इसी के साथ ही बात करें तो 20,000 रुपए के सेगमेंट में अगर बात करें तो एक अच्छा फोन चाहिए जिसमें हम गेमिंग वगैरह सब अच्छे से कर सके, तो पोको X6 एक अच्छी चॉइस हो सकता है, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा Snapdragon 7S Gen 2 प्रोसेसर, 5100mAh की बैटरी, यहाँ पे आपको 67W की चार्जिंग है, 64MP का मेन कैमरा देखने को मिलता है, AMOLED स्क्रीन है, यहाँ तक कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन है। 20,000 रुपए के सेगमेंट में ये भी एक अच्छा फोन यहाँ साबित हो सकता है। लेकिन भाई अगर आपकी रिक्वायरमेंट एक ऐसा फोन लेने की जिसके अंदर आपको क्लीन एक्सपीरियंस मिले एंड्रॉइड का और एंड्रॉइड के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मिले, तो यहाँ पे आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं नथिंग फोन 2A को। फोन 2A भी 25,000 रुपए से कम में एक अच्छा ऑप्शन है। सबसे पहले तो Dimensity 7200 के साथ है, यहाँ पे आपको AMOLED स्क्रीन देखने को मिल रही है, प्लस खास बात यहाँ पर है कि पीछे डीप लाइटिंग भी मौजूद है, डुअल कैमराज है 50+50MP के, और ओवरऑल बात करें तो क्लीन UI अगर जिसकी प्रेफरेंस है उन लोगों के लिए फोन 2A एक अच्छा और एक यूनिक ऑप्शन यहाँ पे साबित हो सकता है। इसी के साथ ही बात करें अगर OnePlus का फोन खरीदना, तो यहाँ पे मार्केट में जो 25,000 से 30,000 में जो OnePlus का फोन जो मुझे पसंद आया वो है Nord CE4, जिसके अंदर Snapdragon 7 Gen 3 देखने को मिल रहा है। इसी के साथ ही यहाँ पे आपको 100W की सुपर वुक चार्जिंग भी देखने को मिल रही है, 5000mAh की बैटरी है, 8GB RAM, 128GB स्टोरेज, ओवरऑल ऑक्सीजन ओएस के साथ आ रहा है और एक ऐसा फोन यहाँ पे प्रेजेंट किया जा रहा है जहां पर आपको 25,000 से 30,000 रुपए की रेंज के अंदर एक अच्छा प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है और जिसको आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। बाय द वे जितने भी फोन्स के बारे में बात कर रहा हूँ तो इसमें से काफी सारे के जो लिंक्स है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएंगे, प्लस अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब आप दोनों कर सकते हैं। इसके साथ ही बात करें मोटोरोला की, तो हाल ही में जो एज 50 प्रो लॉन्च हुआ है वो मुझे यहाँ पे काफी सही लगा। लगभग 30,000 रुपीज के सेगमेंट में स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 है, 144Hz का कर्व्ड POLED डिस्प्ले देखने को मिलता है। इसके साथ ही मोटोरोला अपना नया हेलो UI को भी ला रहा है और तो और बात करें तो यहाँ पे आपको IP रेटिंग भी देखने को मिलती है। तो लगभग 31,000 से 32,000 रुपीज के सेगमेंट का फोन है, लेकिन ऑफर वगैरह लगाकर अगर 30,000 रुपए के नीचे मिले तो ये भी एक सॉलिड बाय हो सकता है। वही 30,000 रुपए से अगर ऊपर के सेगमेंट पे बात करें और अगर आप लोग की प्रायोरिटी प्योर परफॉर्मेंस है, तो iQOO Neo 9 Pro हैंड्स डाउन वन ऑफ द बेस्ट फोन है। Snapdragon 8 Gen 2 सबसे कम रेट के अंदर लेके आ रहा है, प्लस उसके अंदर आपको Sony IMX 920 का कैमरा सेंसर देखने को मिलता है, 120W की चार्जिंग देखने को मिल रही है
और अंडर 40,000 रुपीस के अंदर एक काफी सॉलिड चॉइस हो जाता है। किसी को गेमिंग वगैरह करनी है तो इस फोन को कंसिडर कर सकते हैं। इसके साथ ही 40,000 से लेकर 45,000 की रेंज में OnePlus 12R एक बहुत अच्छी चॉइस है। स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 के साथ आता है और इस फोन के अंदर आपको देखने को मिलेगा एक कर्व्ड AMOLED स्क्रीन, OnePlus का ऑक्सीजन OS देखने को मिलेगा और ये फोन भी 40 से लेकर 45,000 रुपीस की रेंज में काफी सॉलिड चॉइस है। और ऐसे ही यहाँ पर मैं बात कर सकता हूँ आप लोगों से 50,000 के सेगमेंट में। और अगर आप लोग iQOO जैसे ब्रांड को कंसिडर कर सकते हो ना, तो लिटरली जो iQOO 12 है वो यहाँ पे बहुत जबरदस्त फोन है। सबसे पहली चीज iQOO 12 की खास बात है कि ये सबसे कम प्राइस में स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 लाकर दे रहा है। कैमराज इस फोन के अच्छे हैं, बैटरी बैकअप काफी अच्छा है और ओवरऑल ऑलराउंडर फोन इन्होंने 50,000 रुपीज के सेगमेंट में डिलीवर किया है। काफी अंडररेटेड फोन है लेकिन काफी सॉलिड फोन यहाँ पे डिलीवर कर रहा है iQOO, तो वो एक फोन को आप कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आपको कोई ब्रांडिंग वाला फोन खरीदना है जिसके अंदर आपको ब्रांड वैल्यू मिले तो OnePlus 12 को कंसिडर कर सकते हैं। 60,000 के ऊपर स्पेंड करना पड़ेगा लेकिन OnePlus 12 एक अच्छा ऑप्शन है। हैसलब्लैड के कैमरास आपको देखने को मिलते हैं, कर्व्ड AMOLED स्क्रीन है, फास्ट चार्जिंग है, 8 Gen 3 प्रोसेसर है, वो काफी अच्छी चॉइस है। और हाँ, अगर किसी को अगर कॉम्पैक्ट फोन खरीदना है छोटे साइज का, तो यहाँ पे Xiaomi 14 को आप कंसिडर कर सकते हैं। थोड़ा सा महंगा मेरे को लगता है लेकिन Leica के कैमरास के साथ आते हैं और एक छोटा कॉम्पैक्ट फोन होता है ना तो वो यहाँ डिलीवर करता है। इसके साथ ही बात कर तो मार्केट के अंदर अगर आपको प्रीमियम के अंदर एक सबसे बेहतरीन फोन खरीदना है तो ऑब्वियसली S24 Ultra काफी अच्छी चॉइस हो सकता है। लेकिन मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि आप S23 Ultra को भी देख लीजिए, क्योंकि आज के समय में उसका रेट 1,00,000 रुपए के नीचे हो गया है और उस फोन में भी लंबे समय तक सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा और AI वाले फीचर्स भी आ रहे हैं, तो डेफिनेटली S23 सीरीज भी आज के समय में एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे क्रिएट कर सकती है। इसके साथ ही अगर आपकी प्रायोरिटी मार्केट में वास्तव सबसे बेहतरीन कैमरा फोन लेने की है ना, तो यहाँ पे मेरा सजेशन होगा वीवो को कंसिडर कर सकते हो। क्योंकि कई बार क्या रहता है कि वीवो का मैं तो ब्रांड वैल्यू के टर्म्स में देखते हैं कि उसके अंदर इतनी ब्रांड वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर आपने उसके X100 Pro के कैमरा को कहीं टेस्ट किया है या कभी स्टोर में जाके उसके कैमरा को एक बार देखना, आपको पता चल जाएगा कि एंड्रॉयड के अंदर जितने भी मोबाइल फोन आते हैं उनमें से सबसे सुपीरियर कैमरा डिलीवर करता है। और सिर्फ कैमरा ही अगर प्रायोरिटी, सिर्फ स्टिल फोटोग्राफी खींचनी है ना, मार्केट में मौजूद सबसे बेहतरीन फोन में से होता है वो। हालांकि कीमत उसकी काफी ज्यादा है और ऐसे ही Xiaomi 14 Ultra पर वो भी बहुत ही ज्यादा महंगा यहाँ पर हो जाता है। तो दोस्तों यार, ये कुछ लिस्ट थी स्मार्टफोन्स की जो यहाँ पे मैंने बात करी है और इनमें से कुछ स्मार्टफोन्स के जो लिंक्स होंगे नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। और ये ऐसे फोन्स के बारे में बात करी मैंने जिनको आप यहाँ पे जाके अगर खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होती है यहाँ पे। बाय द वे, आप लोगों को यहाँ पे कौन सा फोन पसंद आया तो नीचे अपना आंसर कमेंट में बता सकते हैं। और इसी टाइप की वीडियोस यहाँ पे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आप सुनता हूँ नेक्स्ट वन में। गुड बाय।